लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, फिर पुलिस ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं भाटी के धरना और प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने ही मारपीट की और अब वो खुद ही धरना दे रहे हैं। उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि साजिश के तहत ऐसा काम हुआ है, जिसने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा माहौल खराब किया है और बाड़मेर में सदियों से भाईचारा था, उसमें जहर घोलने का काम किया है। मुकुट में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा चुनाव आयोग कंप्लेंट भी यहाँ से हुई, मुकदमे भी यहीं से हुए और सबसे ज्यादा जो आतंक फैलाया वो निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा फैलाया गया और जो अपना भाईचारा सदियों से बना आ रहा था, तो इन्होंने ये नया उनके अंदर जहर उगलने का काम किया और भाईचारा खत्म करने का प्रयास जो किया है। पर मैं अपील करता हूँ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता से कि आप सभी सदियों से भाई की तरह रहें, आगे भी भाई की तरह रहें। कोई लोग अपना निजी फायदा उठाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करता है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, उनको करारा जवाब दें। और जनता ने कल जवाब दे दिया उन सबको और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब एकदम साइलेंट हो जाएंगे और दोबारा ऐसी शायद हरकत नहीं करेंगे। ऐसे तो दलित लोगों के साथ बहुत ज्यादा किया, धौलिया के अंदर किया या मारूड़ी के अंदर किया, चूली के अंदर किया, दरूड़ा के अंदर किया, कई जगह हम गोनिया के अंदर कई जगह इन्होंने किया। ये तो खुद झूठा आरोप लगाते हैं और जो भी ये कह रहे हैं वो लोग आए बीकानेर से, क्या लड्डू खाने के लिए आए थे क्या? जयपुर से, चूरू से, उधर से क्यों आए थे? यहाँ आके यहाँ शांति फैलाने की कोशिश क्यों की थी? उल्टा लड़ाई उन्होंने की, आपस में सीना झपटी में कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं इस चीज का, लेकिन लड़ाई उन्होंने ही की नहीं। ये बिल्कुल झूठा और निराधार आरोप है। और विधायक जनप्रतिनिधि है वो तो जहाँ लड़ाई हुई वहाँ उनको शांति बनाए रखने के लिए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए, शांति की अपील करने के लिए जरूर गए। बाकी किसी नेता ने कोई दखलंदाजी नहीं की चुनाव में, निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने वो एक प्री प्लान के तहत ये हुड़दंग फैलाने और वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा करने के चक्कर में ये किया। और उन्होंने कहा भी था बयान में कि मेरा वोटिंग परसेंटेज मेरा ज़्यादा होता और उन्होंने ये रोकने का प्रयास किया। अगर लोग मन से वोट दे रहे थे तो किसी ने नहीं रोका, अब फर्जीवाड़ा तो रोकने का प्रयास हर कोई करेगा।